इस वक्त ही बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दिल्ली सरकार ने मंत्री का बड़ा दावा किया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। जी हाँ, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। बताया है कि आपके वरिष्ठ नेता अतीसी ने कहा कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। उससे पहले पार्टी के नेताओं द्वारा केजरीवाल का 2 वजन कम करने का भी दावा किया था, जिसका जेल प्रशासन ने खंडन किया है। जी हाँ, बता दें कि आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ, भाजपा ने दिल्ली के बेटे और देश के नायक अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के तहत तिहाड़ जेल में वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट में जारी किया है कि उनको शरीर में दर्द हो रहा है, उनका वजन गिर रहा है और उनका शुगर लेवल कई बार गिर रहा है। जी हाँ, अगर ऐसे ही होता है तो अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अतीसी ने कहा कि मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि भगवान से डरो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करो। वहीं भाजपा के नेताओं ने पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अदालत ने सुनवाई की तारीख नजदीक आ जाती है तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग बयानबाजी शुरू कर देते हैं। आप नेता केजरीवाल का शुगर स्तर गिरने और वजन कम होने जैसी स्वास्थ्य समस्या होने की बात करते हैं।